प्रधानमंत्री ने जिस 2047 के सपनों को साकार करने की बात कही है, उस 2047 की तस्वीर कैसी होगी ये बताएं। उससे पहले देश की जिन उपलब्धियों का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, आपको उसकी एक झलक दिखा देते हैं। मोदी सरकार में पिछले 10 साल में 11,57,00,000 शौचालय बने। इसी लाल किला से 2014 में उन्होंने वादा किया था। 2017 में पीएम मोदी ने ऐलान किया, जिसके बाद नल से जल कनेक्शन 15 करोड़ घरों तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,13,00,000 शहरी और ग्रामीण आवास इन 10 सालों में बनाए गए। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10,33,00,000 एलपीजी कनेक्शन 2014 से 2024 के बीच दिए गए। सौभाग्य योजना के तहत 21,40,00,000 ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन लगे। 10 सालों में 15,14,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण गाँव में हुआ, जबकि 4,65,00,000 किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए। 46,92,00,000 लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिला और 52,64,00,000 जनधन खाते इन 10 सालों में खुले हैं। पीएम मोदी कहते रहे हैं अब तक ये हुआ है, आगे और काम करने का इरादा है, लेकिन 2047 का विकसित भारत कैसा होगा इसकी भी एक झलक देख लीजिए। 2047 के विकसित भारत में जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। देश में प्रति व्यक्ति आय 17,00,000 रुपए सालाना हो जाएगी। देश की आबादी 165 करोड़ को छू लेगी, जिसमें कामकाजी आबादी 112 करोड़ की होगी। लोगों की औसत उम्र 84 साल होगी, जिसमें साक्षरता 100% होगी और स्किल्ड लेबर 100% होंगे। तेल के आयात में 90% तक कमी हो जाएगी। बिजली की मांग 5 गुना तक बढ़ेगी। अनाज की जरूरत 44 करोड़ टन की होगी। निर्यात 9 ट्रिलियन टन का होगा तो आयात 12 ट्रिलियन टन का हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री के भाषणों में विकसित भारत 2047 सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आजादी के 100 साल पूरा होने पर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना पूरा हुआ तो ऐसी तस्वीर दिखेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।